2 मार्च 2021 को अकोला के वीर सैनिक सतीश कुमार अपनी ड्यूटी पर अभ्यास सत्र के दौरान बैरल फट जाने से शहीद हो गए थे। आज कस्बा अकोला के मिनी स्टेडियम पर शहीद की प्रतिमा पर बीएसएफ के जवानों ने शहीद की पत्नी सोनिया को शहादत प्रमाण पत्र सौंपा। बीएसएफ के उप कमांडेंट मनोज कुमार ने शहीद की पत्नी को प्रमाण पत्र सौंपा। दरअसल पूरा मामला थाना कागरौल के कस्बा अकोला का है। अकोला निवासी सतीश चाहर बीएसएफ में तैनात थे, जहां अभ्यास सत्र के दौरान बैरल फट जाने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। आज शहीद सतीश चाहर के परिवार पर उनकी पत्नी को शहादत प्रमाण पत्र देने के लिए उप कमांडेंट बीएसएफ मनोज कुमार अकोला पहुंचे और उन्होंने शहीद की पत्नी को शहादत प्रमाण पत्र सौंपा। उप कमांडेंट ने कहा कि शहीद की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारत सरकार की ओर से उनकी पत्नी सोनिया को वरिष्ठ लिपिक पद पर तैनाती दी जा चुकी है। शहीद की पत्नी को पेंशन मिलती रहेगी। शहीद सतीश के बच्चे जब 18 वर्ष पूरा कर लेंगे तो उनके लिए भी सरकार हर संभव मदद का प्रयास करेगी। भारत सरकार और बीएसएफ हर समय शहीद के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुआ है। कार्यक्रम में मौजूद कई सामाजिक संगठन व सामाजिक पदाधिकारियों ने बीएसएफ के द्वारा दिए गए शहादत प्रमाण पत्र की जमकर सराहना और तारीफ की। समाज सेवियों ने कहा, बीएसएफ के द्वारा प्रमाण पत्र शहीद के परिवार को दिया गया है, शहीद को जिससे देश के प्रति लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। आगरा से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए शेखर पंडित की रिपोर्ट। नंबर 10257262 आरक्षक सामान्य ड्यूटी सतीश कुमार पुत्र श्री छत्रपाल सिंह निवासी ग्राम पोस्ट अकोला जिला आगरा उत्तर प्रदेश दिनांक 17 अगस्त 2010 को सीमा सुरक्षा बल में भर्ती हुए थे तथा दिनांक 2 मार्च 2021 को 1077 सीमा सुरक्षा बल तोपखाना में तैनाती के दौरान देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। दिनांक 2 मार्च 2021 को लगभग रात को 8:45 पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज लाठी राजस्थान में वार्षिक अभ्यास शिविर के दौरान रात्रिकालीन फायरिंग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें आरक्षक सामान्य ड्यूटी सतीश कुमार भी शामिल थे। तभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसमें गन नंबर 1 पर समय पूर्व एक गोला बैरल के 4 मीटर आगे फट जाने के कारण आरक्षक सामान ड्यूटी सतीश कुमार के बाएं कंधे और बाएं पैर में घातक चोटें आईं और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उन्होंने राष्ट्र को सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद। क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ की निवासी हैं? गांव बचको। ये शहीद सतीश खत्म हुए थे, आज आपको सम्मान पत्र देने आए हैं, तो कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा है, हमें गर्व है अपने पति पर कि उन्होंने ऐसा देश के लिए किया। क्या जैसे उसके बाद आपकी सर्विस भी लगी है, लिपिक पे आप कार्य रहते हैं, तो वो कैसे लगी, क्या हुआ? वही बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हम अपनी मजबूती पर अपनी ज़िंदगी निर्भर कर सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए हम उनको अच्छा पढ़ाई लिखाई और सब कुछ दे सकते हैं जो देना है। अच्छा, बेटी की जो पढ़ाई चलती है वो कैसे चलती है, क्या हो क्या है उसका प्रोसीजर? उसका ये है कि सरकारी उसका पूरा लाभ देती है हमको। तो क्या वो पहले से ही मिलता था? वो पहले से ही मिलता था। तो क्या ये अब प्रशासन की तरफ से और ये विभाग की तरफ से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हैं। जो 2 मार्च 2021 को शहीद हुए थे वो महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल की तरफ से जो उनको शहादत प्रमाण पत्र दिया गया है वो उनकी पत्नी को सौंपने के लिए उनके गांव अकोला में उपस्थित हुआ हूं। मेरे साथ इंस्पेक्टर बीएन तालुकदार और हमारी टीम है और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी है हमारे साथ। ये जो हमने शहीद का प्रमाण पत्र दिया है, इसके इनके बच्चों को जैसे नौकरी में सुविधा मिलेगी, MBBS या इंजीनियरिंग में एडमिशन में सहायता मिलेगी और जो राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल पंप या कोई इस तरह की योजनाओं का लाइसेंस के लिए लाभ मिलता है वो दिया जाएगा। शहीद की पत्नी सोनिया कुमारी को राज्य सरकार द्वारा नौकरी लिपिक के पद पर दी जा चुकी है। क्या इनको पेंशन भी मिलती है? हाँ, इनको पेंशन मिलती है, शहीद की पत्नी को पेंशन मिलती है और जब बच्चे इनके बड़े हो जाएंगे, बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी शहीद की 18 साल एंड एबव, तो उनको
बल द्वारा सेवा भी दी जाएगी, बल में सेवा भी दी जाएगी। थैंक यू सर। मैं मनोज कुमार उप कमांडेंट BSF 178 बटालियन मथुरा से हूँ, और जो सतीश चार जो 2 मार्च 2021 को शहीद हुए थे वो महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल की तरफ से जो उनको शहादत प्रमाण पत्र दिया गया है वो उनकी पत्नी को सौंपने के लिए उनके गांव अकोला में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ इंस्पेक्टर BN तालुकदार और हमारी टीम है, और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी है हमारे साथ। ये जो हमने शहीद का प्रमाण पत्र दिया है, इसके इनके बच्चों को जैसे नौकरी में सुविधा मिलेगी, MBBS या इंजीनियरिंग में एडमिशन में सहायता मिलेगी, और जो राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल पंप या कोई इस तरह की योजनाओं का लाइसेंस के लिए लाभ मिलता है वो दिया जाएगा। शहीद की पत्नी सोनिया कुमारी को राज्य सरकार द्वारा नौकरी लिपिक के पद पर दी जा चुकी है। थैंक यू। इनको पेंशन भी मिलती है? हाँ, इनको पेंशन मिलती है, शहीद की पत्नी को पेंशन मिलती है, और जब बच्चे इनके बड़े हो जाएंगे, बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी शहीद की 18 साल एंड अबव, तो उनको बल द्वारा सेवा भी दी जाएगी, बल में सेवा भी दी जाएगी। थैंक यू। आज प्रधान जी शहीद का वो सम्मान समारोह था, सम्मान प्रमाण पत्र देने आए थे, क्या रहा पूरा? आज हमारे यहाँ जो डिप्टी कमांडेंट मनोज कुमार BSF के जो यहाँ आए थे, जो 37 चहार जो पोखरण में जो अभ्यास के दौरान शहीद हो गए थे, उनको प्रमाण पत्र देने के लिए आए थे। तो उनकी पत्नी सोनिया जी को और उनके जो सतीश शहर के जो पिताजी श्री छत्रपाल सिंह मुखिया जी को आज उन्होंने शहीद का एक प्रमाण पत्र दिया है। अच्छा। और उन्होंने जो शहीद की प्रतिमा है उन पर माल्यार्पण भी किया है। तो क्या अब शहीद की पत्नी का जैसे नौकरी लगी है तो उनके उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें वहाँ एक लिपिक के जगह पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी दी है उनकी पत्नी सोनिया देवी को। क्या बच्ची के लिए थोड़ा कहा गया है कि फ्री शिक्षा है? हाँ, उन्होंने ये भी कहा था, उस समय बहुत सारे जनप्रतिनिधि लोग आए थे, उन्होंने कहा था उनकी बेटी को हम एजुकेशन फ्री कराएंगे। वैसे उस समय शासन ने भी 50 लाख का चेक दिया था, और BSF से जो बना है वो तो उनको मिल ही गया लगभग, मैं समझता हूँ कुछ जो शेष नहीं है। और उनकी पत्नी को नौकरी समय वर्तमान में कलेक्ट्रेट में तैनात है। आज वीरों की धरती पर चारवाटी है। आज वीरों की धरती पर ही हमारे यहाँ बहुत सारे शहीद हुए हैं, और इस बात का हमारे चारवाटी में हमारे ज़्यादातर प्रत्येक घरों में हमारे सेना में जवान हैं, और एक गर्व के साथ हम कहेंगे कि हमारे जो नौजवान आज भी इस समय जो भर्तियाँ चल रही हैं आर्मी में, हम लोगों में जब्बा है, देश के प्रति लोग शहीद हो जाते हैं, हम उन्हें नमन करते हैं, और आज हमारे उसी एवज में हमारे मनोज कुमार डिप्टी कमांडेंट हमारे शहीद श्री सतीश शाह को प्रमाण पत्र देने के लिए आए थे।